हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम आपको डेली के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए। तो आज के लिए देखिए, मार्केट ने बहुत बेयरिश कैंडल हमें दी है और हमने कल डिस्कस भी किया था कि इंटरेस्ट रेट का डाटा आने वाला है, इंटरेस्ट रेट का फेड का इंटरेस्ट रेट रिलीज होने वाला है। उसके बाद एक स्ट्रांग मोमेंटम हमें देखने को मिला है रात को 11:30 के अराउंड, और आज शाम को भी 5:45 और 6 बजे के अराउंड जो इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला था, यूरोप का जो इंटरेस्ट रेट का डाटा है वो रिलीज होने वाला था, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा रिलीज होने वाला था, जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करके बताया था, और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला और मार्केट ना बेयरिश मोमेंटम दे पाई है। तो हम एक चार्ट पे स्विच करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह का मोमेंटम दिया है और उसके पीछे के रीजन को भी हम जानते हैं। देखिए, हमने मार्क किया था 102.871 को, अगर मार्केट क्रॉस करती है तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम यहाँ से ले सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11:30 बजे ये वाली जो कैंडल है, 11:30 बजे वाली कैंडल है कल की, और कल फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया था जिसकी वजह से बुलिश मोमेंटम बना यहाँ पे। मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ गई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसको मार्केट ने इस लेवल पे ब्रेक किया, और यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मार्केट ने 6:30 बजे वाली कैंडल पे स्ट्रॉन्गली ब्रेक करने के बाद हमारा जो अपसाइड का टारगेट था 103.312 का मेजर जो टारगेट था वो मार्केट ने हिट किया। तो अगर हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व करें कि यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम क्यों लिया, देखिए 5:30 बजे के अराउंड यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि जेपीवाई का जो डाटा है वो काफी नेगेटिव आया था। जेपीवाई का जो ट्रेड बैलेंस का डाटा है वो काफी नेगेटिव आया था, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बुलिश हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आया, और हमारे जो लेवल हमने मार्क किया जो आप थिक लाइन देख रहे हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। इससे पहले मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस पहले भी लेती आई, और एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट ने आज काफी ज्यादा घंटे स्पेंड किए हैं। तो अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ यहाँ से, और मार्केट ने अपसाइड के टारगेट को हमारे को हिट भी किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आज शाम को 5:45 और 6 बजे के अराउंड इम्पोर्टेंट डाटा रिलीज होने वाला है, उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5:30 बजे वाली कैंडल है ये, 5:30 बजे के बाद डाउनसाइड मोमेंटम शुरू हुआ क्योंकि 6:45 बजे नेगेटिव डाटा आया डॉलर इंडेक्स के लिए, और यूरोप का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया है उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव ये देखने को मिली है। उसके बाद 6 बजे का जो डाटा आया है वो भी काफी नेगेटिव रहा है क्योंकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़े हुए आए हैं, और इसका मतलब है कि काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स फिर से नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया। तो देखिए, मार्केट ने डाउनसाइड का टारगेट भी एक्टिवेट हुआ वो भी हिट किया, अपसाइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ तो अपसाइड के टारगेट्स को भी हिट किया है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। यहाँ पे देखिए ऑपोजिट इम्पैक्ट रहता है, जो इम्पैक्ट डॉलर में आता है उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट रहता है हमारे गोल्ड में। तो यहाँ से हमने मार्क किया था कि अगर 1953 को ब्रेक करती है तो 1949, 47 और 40 हमारा टारगेट रह सकता है। तो इसी कैंडल पे ही मार्केट ने अपना टारगेट बीट कर लिया। ये कल शाम को 6:30 बजे, रात को जो 6:30 बजे 11:30 बजे वाली कैंडल है ये वो वाली कैंडल है जिसके ऊपर हमने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू रखा है उसने अपने मोमेंटम को डाउन साइड पे, और ये वाली जो कैंडल बनी है ये इसके ऊपर किस तरह से ट्रेड लेना है ये भी हमने मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जब डाटा आता है तो कई बार क्या होता है कि वो काफी स्ट्रॉन्गली नीचे गिर जाता है, उसके बाद वो थोड़े धीरे धीरे करके वापस ऊपर जाता है, उसके बाद ऊपर जाने के बाद जब ऊपर की तरफ चला जाए उस टाइम पे आपने एंट्री लेनी है, और यहाँ से मार्केट फिर धीरे धीरे वापस नीचे का मोमेंटम लेना शुरू करती है। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो डाउन साइड का मार्केट ने टारगेट एक्टिवेट किया था, वो मार्केट ने हिट किया है गोल्ड में। तो अगर आपने आज ट्रेड प्लान किया होगा, अपने टाइम फ्रेम्स को ध्यान में रखा होगा, आपने प्रॉपरली एनालाइज जो लेवल्स हैं उनके ऊपर अगर आपने काम किया होगा तो आपने अच्छा प्रॉफिट मार्केट से अर्न किया होगा। तो हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल मार्केट में क्या रह सकते हैं। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे हम, DXY से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी मार्केट रेड कैंडल्स ही दे रही है, डोजी टाइप कैंडल दे रही है, और ये जो कैंडल है ये एग्जैक्टली भी कहाँ पहुंची हुई, पहुंची है 102.227 पर, और इस लेवल को अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे पहले बहुत स्ट्रॉन्गली इस लेवल को रेजिस्टेंस दे चुकी है, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर चुकी है। तो ये लेवल जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल, इसको सबसे पहले हम थिक कर लेते हैं, ये हमारे काफी हेल्प कर सकती है। अब हम 1 आवर के चार्ट पर स्विच करेंगे इस लेवल के बाद, यहाँ से हम और लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे कि डाउन साइड पे अगर मार्केट और कहीं रेस्ट ले सकते हैं तो वो कहाँ पर ले सकती है। तो यहाँ से हम कुछ लेवल्स को मार्क करेंगे जिसपे मार्केट ने पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखा हुआ है। तो एक लेवल रहेगा 101.976 का, उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा रह सकता है अराउंड 101.886, और उसके बाद रहेगा 101.741 का। तो ये लेवल्स हमें मिल गए। अब हम चलते हैं आज के टाइम फ्रेम पर जहां पे मार्केट अभी काम करती हुई नजर आ रही है। तो
यहाँ से देखिए मार्केट डाउनसाइड का मोमेंटम लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी जो लास्ट कैंडल बनी है वो डोजी टाइप कैंडल बनी है, यानी कि मार्केट में वीकनेस आ गई। देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, काफी नीचे तक गिरी, ये भी काफी नीचे तक गिरी, उसके बाद ये भी गिरी है लेकिन वीक आ गई है यहाँ पे काफी अच्छी। उसके बाद ये भी मार्केट में ऑलमोस्ट इसके जैसी ही बॉडी बनी है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए और छोटी हो गई है बॉडी, यहाँ पे और ज्यादा छोटी हो गई है बॉडी, तो यानी कि मार्केट में बॉडी जो है बेरिश कैंडल्स की वो कमजोर होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, तो इससे प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम ले सकती है। लेकिन अभी हम इस टाइम पे ट्रेड नहीं प्लान कर सकते क्योंकि दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में मार्केट अभी काम कर रही है। तो अगर मार्केट 102.227 ब्रेक करेगी तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे 102.542, और अगर मार्केट डाउनसाइड के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से कॉशियसली काम करना होगा। एक बार पिवट सम ऑन करके देख लेते हैं, पिवट भी देखिए काफी ज्यादा नीचे है, तो इसमें अगर हमें हेल्प चाहिए तो हमें किस चीज की हेल्प लगेगी, हमें लगेगी इस कैंडल के लो की। तो अगर हमें इस दो फ्रेम्स पर, इन दो टाइम फ्रेम्स के ऊपर, इन दो लेवल्स के बीच में अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो हमें हेल्प करने वाला है 102.124 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम डाउनसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रख सकते हैं 101.976 तक के लिए। अदरवाइज हमें यहाँ से वेट करनी होगी 101.976 ब्रेक हो जाने देने की। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम डाउनसाइड प्लान करेंगे 101.886 और 101.741 के लिए। तो आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इजी टर्म्स में कि किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। 102.227 ब्रेक हुआ तो 102.542 का एक मेजर टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर एक और लेवल मार्क कर लेते हैं 102.644 का। और अगर मार्केट ने डाउनसाइड का मोमेंटम लिया और 102.124 के नीचे क्लोजिंग दे दी, इस डोजी कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउनसाइड का देखने को मिल सकता है 101.976, और ये ब्रेक किया तो 101.886 का ट्रेड देखने को हमें मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। और अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। गोल्ड में भी डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हमें मिल रहा है तो। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कॉन्टिन्यूटी में नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, डाउनसाइड का मोमेंटम बना हुआ है, और हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है 1956 का, ये वाली लाइन जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, 1956.447 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, और यही लेवल जो है मार्केट को रेजिस्ट भी कर रही थी, तो इसको मार्केट अभी ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी इस कैंडल के क्लोज होने में 3 घंटे बचे हुए हैं, तो ये ऊपर भी क्लोज हो सकते हैं, नीचे भी क्लोज हो सकते हैं अभी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकनेस आती हुई नजर आ रही है, बहुत बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बनता रहा लेकिन वॉल्यूम गिरती रही है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक वीक कैंडल देखने को मिली है और वीक वॉल्यूम देखने को मिली है। अभी यहाँ पे फिर से एक वीक कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से हमें वीकनेस मार्केट में बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट देखिए यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, एग्जैक्टली इसी लेवल पर मार्केट जो है रेजिस्टेंस फिर से देखती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, इन्हीं लेवल्स को हम कंसिडर करेंगे। अगर मार्केट ने 1959 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, वो भी वीक वॉल्यूम के साथ नहीं, वॉल्यूम थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वीक वॉल्यूम आ रही है तो वीक वॉल्यूम जो है जो जो ट्रेंड चल रहा है उसकी वीकनेस को दर्शाती है। ठीक है, तो अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है और वॉल्यूम वीक होती हुई नजर आ रही है, यानी कि ट्रेंड जो है कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर मार्केट इस कैंडल को तोड़ देती है, इस लाइन को तोड़ देती है, यानी कि 1959 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे देती है, और वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छी होती है, इम्प्रूव्ड होती है, तो हम यहाँ से बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1962 और 1964 के लिए। अदरवाइज हम यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम लेंगे 1956, 53 और 1949 के लिए। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। डिसिसिव लेवल रहने वाला है हमारा 1959 का लेवल, इसको ब्रेक किया अप साइड पे तो हम बाई साइड जाएंगे, और अगर यहाँ से रिवर्सल ले लेती है मार्केट तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की कि कौन से टाइम फ्रेम से हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से अकाउंट ओपन करना है, फंड्स ऐड करने और विड्रॉ करने हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, उन वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो कल मॉर्निंग में सबसे पहले 8:30 बजे हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, JPY का, यानी कि जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन रिलीज होने वाला है। जैसे कल रात को 11:30 बजे फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन रिलीज हुआ, आज 6:45 बजे यूरोप का हुआ, अभी बैंक ऑफ जापान का होने वाला है।
तो बैंक ऑफ जापान का डाटा भी मार्केट में इम्पैक्ट डालता है और डॉलर के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है, तो ये हमें कुछ हेल्प कर सकता है। यहाँ पे फॉरकास्टेड वैल्यूज हैं, ये प्रीवियस वैल्यूज हैं, और एक्चुअल वैल्यूज जो है अगर इन लेवल से देखिए, फॉरकास्टेड और प्रीवियस जो है सेम है, तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट जो है स्टेबल रह सकती है, यानी कि जैसे पहले चल रही थी सेम वैसे ही रह सकती है। लेकिन अगर एक्चुअल फिगर्स में थोड़ा सा भी बदलाव आता है, मान लीजिए यहाँ पे आता है -0.9, -0.9, तो ये पॉजिटिविटी है जापान के लिए। तो इस केस में JPY USD या USD JPY में आप ट्रेड ले सकते हैं, USD JPY में। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो USD JPY जो है नीचे की तरफ गिर सकता है, क्योंकि ऑपोजिट चलेगा, JPY आपका पीछे लगा हुआ है और US डॉलर पहले लगा हुआ है, यानी कि अगर JPY जो है वो बढ़ जाता है तो जो पूरी की पूरी करेंसी पेयर है वो नीचे की तरफ गिर जाती है, ठीक है। और अगर JPY नीचे की तरफ, अगर JPY जो है बढ़ा, तो हमारा जो डॉलर इंडेक्स है DXY जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और डॉलर इंडेक्स का ऑपोजिट इंपैक्ट हमारा पड़ता है XAU USD पर। उसके बाद 2:30 बजे के अराउंड यूरोप का CPI का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा आने वाला है, ये भी अगर पॉजिटिव आता है हमारे फॉरकास्टेड प्रीवियस फिगर से, तो एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है हमें EUR USD में। इसमें हमारे को जो करेंसी पे मिलेगी वो मिलेगा EUR USD, तो ये अपसाइड का मोमेंटम ले सकता है। और अगर इसका अपसाइड का मोमेंटम आया तो ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा DXY के ऊपर, ये नीचे की तरफ गिरेगा, और DXY का ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा XAU USD के ऊपर, ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के और डाटा आने वाला है यूएस का, यूएस का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का डाटा भी मार्केट में काफी अच्छा हमें मूव दिला सकता है। यहाँ पे कंज्यूमर्स किस तरह क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि मार्केट इंप्रूव होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें कि कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन है, और अगर इन्फ्लेशन हुआ तो ये डाटा अगर पॉजिटिव आता है, अगर इन्फ्लेशन हुआ तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा और ये अपसाइड की तरफ जाना शुरू कर देगा, और ऑपोजिट इंपैक्ट हमारा पड़ेगा XAU USD के ऊपर, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, और अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स और भी आपको मिलेंगे जिसके ऊपर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।